हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार भीवी स्टडी से। तो आज लेके आए हम यूनिट 2 का टॉपिक 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का टॉपिक 1, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। जब आप एक MBA कर लेते हैं, ठीक है, जब आपका MBA कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या बनते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनते हो, HR बनते हो, ठीक है। तो क्या करता है, वो लीड करता है, किसको, प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है, टीम को लीड कर सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, ठीक है। रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। वो स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, नहीं होता है, उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहला स्टेप क्या करता है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर इन सब चीज़ों में माहिर होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मॉनिटरिंग, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग रिस्क, इन सब चीज़ों में क्या होता है, माहिर होता है, उसको महारत हासिल होती है, वो इन सब चीज़ों को आसानी से कर लेता है। कैसे लीड करना है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग में क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट को समझाना कि वो प्रोजेक्ट क्या है, उसको समझना प्रोजेक्ट क्या है, फिर इसके बाद उस प्रोजेक्ट को कौन कर सकता है, फिर इसके बाद हाउ मैनी टाइम, मतलब इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। हम प्लानिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका भी एक चैप्टर है, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट टू का टॉपिक 5 प्लानिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल को समझ लेते हैं, ठीक है, कि वो प्लानिंग में करता क्या है, प्लानिंग में क्या करता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट को कौन कर सकता है और कितने टाइम में कंप्लीट हो सकेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, प्लानिंग हो जाता है। अब ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग कर लिया कि प्रोजेक्ट क्या है, कौन कर सकता है, कितना टाइम लगेगा, अब उसको ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब किस चीज़ को, कि ये प्रोजेक्ट क्या है उसको समझने के लिए, प्रोजेक्ट कौन कर सकता है, इसको टीम को लेके आने के लिए और कितना टाइम लगेगा, ये सब क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, किसमें, टीम से बात करता है, ठीक है। असाइनमेंट देता है टीम को कि ये आपका टास्क है और ये गोल को क्या करना है, अचीव करना ही है, ठीक। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है, लीडिंग, लीडिंग, अब यहाँ पास प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अब प्रोजेक्ट को क्या करना है, लीड करना है। प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए क्या क्या करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, पहले ये देखेगा कि हमारा प्रोजेक्ट कितना दूर पहुँचा, क्या वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। डेली चेकआउट, मॉनिटरिंग, राइट ट्रैक, मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर सही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका चेकआउट करना है किसका काम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है, उस प्रोजेक्ट को देखना कि कितना ग्रो हुआ है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में क्या रिसोर्स यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि जो रिसोर्स यूज़ हो रहा है उसको कैसे यूज़ हो रहा है, क्या गलत तरीके से तो यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर। अब कम्युनिकेटिंग, 90% टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टीम के आसपास बिताता है, 90% टाइम, ठीक है, 90% टाइम स्पेंड करता है अपने टीम मेंबर के साथ, टीम मेंबर के साथ क्या करता है, 90% टाइम स्पेंड करता है ताकि वो समझ सके कि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे सॉल्व कर सके, क्या हमारा टीम उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्षमता रखता है या नहीं रखता है, ये कौन देखता है, सब प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है, कम्युनिकेटिंग करके, ठीक है, अपने टीम मेंबर से बात करके, ओके। अब नेक्स्ट हमारा मैनेजिंग रिस्क, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, मेक रिलेशन कम्युनिकेट बेटर, किससे, अपने टीम मेंबर से। अगर अपने टीम मेंबर से अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करेगा तो कोई भी टीम मेंबर क्या कर सकता है, रिज़ाइन दे सकता है, और रिज़ाइन देने के बाद अगर वो टीम मेंबर चला जाता है तो हायरिंग करने के लिए कितना वक्त लगता है और कोई मिलता भी नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। तो क्या करता है, रिज़ाइनिंग ये मैनेज करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि कोई रिज़ाइन ना दे दे, ठीक है, कोई रिज़ाइन ना कर दे, अगर रिज़ाइन करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी तरह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में और इनकम्प्लीट होने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा टॉपिक इसी का रहेगा, यूनिट 2 का टॉपिक 1 का पार्ट 2। अभी यहाँ पर 1 लिखा है रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, अभी इसी का 2 निकालते हैं, ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन, आ गए हम यूनिट 2 के टॉपिक 1 का दूसरा पार्ट, सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर को अब कैसे सेलेक्ट किया जाता है, आइए समझते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए कौन सी, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। जब तक वो प्लानिंग नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, लीडरशिप नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा, तो फिर कैसे वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकेगा। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर
ऐसी स्किल होनी चाहिए, प्लानिंग कर सके, कम्युनिकेट कर सके, लीडरशिप कर सके, लीड कर सके, ठीक है, और मोटिवेट कर सके ताकि वो अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर सके। तो ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं किनारे हो जाता हूँ थोड़ी सा, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट चैलेंजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन सी चीज़ करती है, तो आइए देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके पास है तो वो क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर करने की ताकत होनी चाहिए विथ एग्जांपल। अगर उसके पास क्वेश्चन एंड आंसर एग्जांपल में है तो वो अपनी टीम को क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है एग्जांपल के सहित, ठीक है। और साथ में डिफ़िकल्ट क्लाइंट, अपने डिफ़िकल्ट क्लाइंट को भी हैंडल करना एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होना ही चाहिए, तभी हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोएक्टिव आइडेंटिफाई रिस्क, प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा आइडेंटिफाई रिस्क, मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। एनी प्लेस वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा कोई भी प्लेस में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्टाइल, कम्युनिकेशन स्टाइल जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, किसी को समझाने के लिए विथ एग्जांपल, हर चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, ओके। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन में मान लीजिए अपने टीम को कुछ बोलना है राइटिंग करके, तो उसके पास क्या होना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर एग्जांपल से समझा रहा है तो वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज़ एक प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। नेक्स्ट है मोटिवेट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर को एक मीटिंग लेनी चाहिए और अपने टीम को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। मीटिंग टू गेट मोटिवेट, अपने टीम को मोटिवेट कर सके ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेज टीम, अब प्रोजेक्ट मैनेजर को मैनेज करना है अपनी टीम को, ठीक है, उसको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ वीकनेस पता होनी चाहिए, और आइडेंटिफाई राइट पर्सन कि उसके गोल को अचीव कर सके ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। वो स्ट्रेंथ भी पता कर ले अपनी टीम का और वीकनेस भी पता कर ले और आइडेंटिफाई कर सके कि ये पर्सन जो हमारी टीम में है, जो पर्सन है, वो गोल को अचीव कर सके। आपका यूनिट 2 का टॉपिक 1 खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, ओके।